हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में बार बार पूछता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बात आप लोग एक बार बेसिक समझ जाइएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली हल करिएगा, ठीक है। मैं दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, आज मेरा तीसरा पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 7500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना होगा, यानी क्या पूछ रहा है, 2 साल में कितना होगा। जब कितना पूछेगा तो क्या होगा, अमाउंट होगा, अमाउंट यानी मिश्रधन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह क्वेश्चन। पी बराबर कितना दिया है, 7500। आर बराबर कितना दिया है, 4%। और टी बराबर कितना दिया है, 2 वर्ष। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग ट्रिक्स बनाएंगे तो काफी कम समय लगेगा और काफी क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों को मैं ट्रिक बताया था, आप लोगों को पार्ट वन पार्ट टू में ट्रिक बताया था, फिर वही ट्रिक मैं पार्ट थ्री में बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, अमाउंट निकालने के लिए कहे, यानी मिश्रधन निकालने के लिए कहे, चाहे डिफरेंट निकालने के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर के लिए क्वेश्चन कहे, या साधारण ब्याज कहे, या चक्रवृद्धि ब्याज कहे, या मूलधन कहे, कोई भी क्वेश्चन कहे, या समय का है, या दर का है, कुछ भी क्वेश्चन का है आप लोग से, आप लोग एक ट्रिक फॉलो कीजिएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे फॉलो होता है, ठीक है। बस चार को गोला बनाने के लिए सीख जाइएगा, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। मात्र आप लोग चार गोला बनाना सीख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगे, थोड़ा सा बस गोला बनाने के लिए सीख लीजिए, गोला बनाने के लिए सीख लिया, आपका सब क्वेश्चन बन गया। देखिए कैसे बनता है बोर्ड पर। 7500 दिया है, अच्छा बता दे रहे पहले गोला में क्या क्या होता है। देखिए गोला में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी नाम लिख सकते हैं, बी सी पी बी, कोई कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, अगर हम लोगों को सी आई निकालना हो तो सी आई के लिए क्या होगा, इसको इसको जो इस मतलब इसको हल करेंगे तो जितना इसका मानेगा, इसको इसको सीआई के लिए फॉर्मूला ये होगा 2a+b। एसआई के लिए यानी साधारण ब्याज, देखो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई कहेगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है 2a। अब आपसे पूछेगा अमाउंट, पूछेगा अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, p+2a+b, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। या अमाउंट मतलब मिश्रधन, और इसको समझ लिए बी बी है ना, डिफरेंट होता है, डिफरेंट मतलब अंतर, यानी डिफरेंट होता है, डिफरेंट मतलब अंतर, अंतर यानी सीआई और एसआई का जो डिफरेंट होता है ये होता है, ठीक है। बस इतना ही बात समझना है, इतना से ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक है। इतना बात समझ लिए तो आपका सब सीआई का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा,
कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। पी बराबर 7500 रुपया लिखते हैं, पी बराबर 7500 आर बराबर 4% और टी बराबर 2 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। सबसे पहले आर को ध्यान देते हैं, गोला बनाते, चार गोला बनाएंगे ना, 2 वर्ष के लिए कहेगा तो चार गोला बनाएंगे। आर 4%, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/20 होगा ना, तो इसका 1/20, इसका 1/20, 7500 लिख दिए, 7500 का 1/20 कितना होगा, 300 होगा, 300, 300 का 1/20 कितना होगा, 12 होगा। क्वेश्चन बन गया। हम लोग क्या निकला है, अमाउंट निकला है ना, तो अमाउंट के लिए बोले थे ना फॉर्मूला क्या था, पी प्लस 2a + b, तो सभी को जोड़ देंगे, 7500 + 600 + 12 = 8112 रुपये। ये क्या गया, अमाउंट आ गया। अगर क्वेश्चन में कहेगा इसमें सीआई निकालने के लिए, तो फिर सीआई कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में कहेगा सीआई बराबर क्या होगा, एसआई बराबर क्या होगा, डिफरेंट बराबर क्या होगा, ठीक है, ये तो हम लोग अमाउंट निकाल ले, अमाउंट बराबर इतना हुआ। अब सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, सीआई निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे ना, इसको इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, यानी फॉर्मूला क्या था, 2a + b, यही फॉर्मूला था ना सीआई के लिए, तो 300 300 600, सीआई बराबर 300 + 300 + 12, 612 रुपया। एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताते थे, 2a बताए थे ना, तो 2a यानी 300 300 600 रुपया हो गया। डिफरेंट क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंट 12 रुपया होगा। बात समझ में आ रहा है, तो परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि केवल इसमें अमाउंट दिया थे अमाउंट ही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हम लोग का कंसेप्ट क्लियर आएगा तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, ठीक है। अब होता है क्या कि मान लीजिए कि ये सब ट्रिक से तो कॉम्पिटेटिव वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं सीआई निकालने के लिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो 9th 10th में पढ़ते हैं, वो तो ट्रिक पढ़ेंगे नहीं, वो तो फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो उन लोगों के लिए फॉर्मूला बेसिस बना रहा हूँ क्वेश्चन, यही इसी क्वेश्चन को, जिससे उन लोगों का भी बेनिफिट होगा, वो लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला से बना रहे हैं, तो फॉर्मूला से बना रहे हैं, तो पी बराबर कितना दिया है, देखिए इधर लिख रहे हैं 9th 10th के बच्चों के लिए, जो आराम आराम से उन लोगों को समझ में आएगा, आर बराबर 4%, टी बराबर 2 वर्ष। तो लोग कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ना, अमाउंट, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, p × 1 + r/100 × n, p से प्रिंसिपल, अमाउंट से मतलब मूलधन, r से दर और t बराबर समय, p से प्रिंसिपल यानी मूलधन, सब जानते हो ना आप लोग, सब किसी को पता होगा, ठीक है। अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो इसमें पी, पी कितना दिया, 7500, 1 + 4/100 समय 2 वर्ष, 7500 × 104/100 × 104/100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया ना, 25 × 75 = 2400, ठीक है, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24, 3 × 26 ×
104 बराबर 8,112 रुपया आंसर। क्या 9th-10th के लिए, 9th-10th के बच्चे इस तरह से फॉर्मूला से बनाते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बोला गया सीआई निकालने के लिए, तो सीआई का क्या फॉर्मूला होता है, सीआई बराबर ए माइनस पी होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन माइनस सॉरी मिश्रधन माइनस मूलधन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए कितना है इसमें, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8,112 रुपया आ गया। और प्रिंसिपल कितना है, 75 से है ना, इसको घटाएंगे तो 612 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को एसआई यानी साधारण ब्याज बोल देगा निकालने के लिए, एसआई बराबर क्या होगा, पी गुने आर गुने टी बटा 100, पी कितना है 7500, आर कितना है 4% गुने 2/100 बराबर 600, एसआई कितना आ गया 600 आ गया। और सीआई और एसआई का डिफरेंट पूछेगा, तो डिफरेंट बराबर क्या होगा, 612 में से 600 घटा लेंगे तो 12 रुपया डिफरेंट आ गया। ये क्वेश्चन 9th-10th के बच्चों के लिए है, कृपया कंपटीशन वाले बच्चे इसको स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया है, सुधांशु ने एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1500 रुपया निवेश किया, ब्याज प्रत्येक 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज है, तो सुधांशु को एक वर्ष के अंत में कितना रुपया राशि प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है सुधांशु निवेश कितना करता है, 15,000 रुपया, यानी पी बराबर कितना हो गया 15,000 रुपया, ठीक है। आर बराबर कितना होगा, 10% दिया है, टी बराबर कितना दिया, एक वर्ष दिया ना। अब इसमें करना क्या है, जब ब्याज की दर छमाही होता है, तो पहले हम लोग आपको बताए थे पार्ट 1 वाला वीडियो में कि जब ब्याज की दर छमाही होगा तो समय में दूसरे गुना करते हैं और दर में दूसरे भाग करते हैं। जब देख ब्याज छमाही जो ब्याज छमाही संयोजित हो 6 माह के लिए संयोजित क्यों लिखते हैं, दर में दूसरे भाग करते हैं, समय में दूसरे गुना करते हैं, 3 माही हो, 3 माही यानी साल भर में कितना 3 माही होते, 4 3 माही होते हैं ना, तो 4 से भाग करते हैं, समय में 4 से गुना करते हैं, 4 माही हो तो 3 से भाग करेंगे, समय में 3 से गुना करेंगे, 5 माही हो इसको भाग करेंगे दर में 12/5 से, 12/5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें छमाही पूछ रहा है, ठीक है। तो जब छमाही देगा तो दर में कितना से 10% है ना, 10/2 करेंगे यानी 5%, और समय में दूसरे गुना करेंगे तो कितना होगा 2 वर्ष, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है ना, वर्ष अंत में कितना राशि प्राप्त होगी, यानी अमाउंट यानी मिश्रधन बोल रहा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, गोला बना लेते हैं, हम लोग तो गोले तरीके से सीखेंगे ना, गोला बनाते हैं,
पी बराबर 15,000 रुपया, दर बराबर 5%, इसको 15,000 एक बटा 20 कर देते हैं, 5% यानी 5 बटा सब अब 1 बटा 20, इसका 1 बटा 20, इसका 1 बटा 20, ठीक है। तो 15,000 के 1 बटा 20 कितना होगा, 750 रुपया, 750। और 750 का 1 बटा 20 कितना होगा, 37.50 रुपया। हम लोग से क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है निकालने के लिए ना, अमाउंट के लिए सभी को जोड़ेंगे ना, 15,000 प्लस 750 प्लस 750 प्लस 37.50 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 16,537.50 रुपया आएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 16,537.50 रुपया आएगा, ठीक है। अब हम लोग को अगर इसी क्वेश्चन में दे देगा, वर्ष के अंत में अगर बोल देगा, क्या बोलेगा, सीआई निकालने के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, पी दे दिया है, ए दे दिया है, ठीक है। तो सीआई निकालने के बोलेगा तो सीआई का यही ना होता है ना, इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, 750 प्लस 750 प्लस 37.50 रुपया, जोड़ेंगे तो 1537.5 जोड़ो, सीआई निकल गया। अब एसआई अगर बोलेगा निकालने के लिए, इसी क्वेश्चन में अगर बोल देगा एसआई निकालने के लिए, कई क्वेश्चन किसी टाइप से पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा वही पूछेगा, किसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, इसीलिए हम लोग को सब बात मतलब समझना जरूरी होता है, सीआई एसआई डिफरेंट जितना इसमें दिया है, अभी दर बताएंगे, अभी सभी बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। एसआई बराबर क्या हुआ, इसको जोड़ेंगे ना, 750 प्लस 750 बराबर 1500, ठीक है। और डिफरेंट क्या होगा, 37.50 रुपया, ठीक है। ई तो हो गया हम लोग के लिए, ठीक है। अब 9th-10th के बच्चों के लिए भी तो जरूरी है ना, वो भी मेरा वीडियो देखा है, इसीलिए फॉर्मूला के हिसाब से मैं बनाया रहा है 9th-10th के लिए, ठीक है। 8th-9th-10th में, 8th ही क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 8th क्लास के लिए बना रहे हैं फॉर्मूला के हिसाब से। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू एन, पी कितना दिया है, 15,000, 1 प्लस आर कितना है, 5% है ना, 5 बटा 100, सब में 2% है ना, 105/100 × 105/100, 20 से 20 कट गया, 25×100 = 150, 2×4 = 300। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, 3×105×105/2, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे, इसको 2 से इसको कटाइए, 2×10 = 2×4 = 105 105 है ना, तो 2×10 = 2×4 = 10 52.50 रुपया है ना, इसको गुना कर दो, 100 इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, इतना आएगा ना,
और वही क्या करेगा, सीआई पूछेगा निकालने के लिए, ए माइनस पी पी कितना है इसमें, 15,000 है। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 1537 रुपया। अगर साई बोलेगा निकालने के लिए पी गुने आर गुने टी बटा सौ होगा ना, पी कितना होगा, आर कितना है, समय कितना है, 2 वर्ष। अब कितना होगा इसको गुना करेंगे तो 600 होगा ना, तो 15,000 है ना, तो ये कितना होगा, 15,000 होगा, ठीक है। अरे P बराबर कितना है, 15,000, R बराबर कितना दिया है, 5% दिया ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 150 गुने 5 गुने 2 तो 1500 रुपया होगा, ठीक है। ठीक है, अब सी आई निकल गया, एस आई निकल गया, तो सी आई एस आई का डिफरेंट कितना होगा, ₹37.50 डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। किताब में क्वेश्चन दिया है किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 328 रुपया है, तो उसी दर से उतने ही समय के लिए उस मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, यानी हम लोग से क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। टी बराबर कितना दिया है, टी बराबर 2 वर्ष, आर बराबर 5% और सी आई बराबर 328 रुपया। इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 1/20 होगा, ठीक है। गोला बनाएंगे, देखिए जो न्यूमरेटर होते हैं अंश होता है ना, अंश को यह एक मानते हैं, 1/20 1/20 एक एक 20 20 20 के 1/20 400, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखिए कोई क्वेश्चन में कंडीशन देता है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सी आई बराबर 328 रुपये, हम लोग सी आई बराबर 20 20 40 41। एक का अंतर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। प्रिंसिपल बराबर कितना दिया है, 400 400 गुने 8 बराबर 3200 रुपया आ गया। प्रिंसिपल हम लोग का कितना है, 32 आ गया। एस आई बराबर क्या होगा, 20 20 40 40 गुने 8 बराबर 320। यही दिया ना किताब में, एसआई निकालने के लिए एसआई कितना होगा, तो एसआई 320 आ गया। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एसआई पूछेगा, परीक्षा में सीआई भी पूछ सकता है, सीआई क्या होगा, तो सीआई बराबर क्या होगा, 41 गुना 8। सीआई बराबर कितना होगा, 328 हो गया, और सीआई और एसआई क्या डिफरेंट पूछेगा, और डिफरेंट जो 8 है 8 होगा। अगर अमाउंट पूछ लगे, अमाउंट कितना है, ठीक है, अमाउंट पूछेगा तो कितना होगा, अमाउंट पूछेगा तो सभी को जोड़ेंगे ना, 440 1 41 441 8 8 32। अमाउंट कितना है, 35 28 रुपया आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। देखिए
सबसे पहले आर को लिखते हैं, आर न्यूमरेटर जो अंश होता है उसको एक लिखते हैं, एक बटे बीस, बीस के एक बटे बीस, चार सौ। हम लोग का सीआई कितना है, अब सीआई दिया है तो सीआई को सीआई से तुलना करते हैं ना, तो सीआई दिया है, सीआई इतना दिया है 41 रुपया, और जो किताब में सीआई दिया है 328 रुपया, एक का अंतर कितना 800 रुपया, एक का निकल गया तो सभी का निकल जाएगा, तो इस पर कितना दिया 400, तो 400 में दूसरे गुना किया था 800, इसी तरह एसआई बराबर सीआई डिफरेंट सभी निकल गया। अब बेचारे कुछ 8 क्लास के बच्चे होंगे, उनको तो ठीक समझ में आएगा नहीं, तो फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे ना, चलिए फॉर्मूला के हिसाब बनाते हैं। यही फॉर्मूला होता है ना, सीआई का फॉर्मूला होता है ना, तो सीआई 328, पी बराबर कितना दिया है, कुछ नहीं दिया ना, पी हम लोग को निकालना है 1 प्लस, आर कितना दिया है 5 दिया ना, 5/100, समय कितना है 2 वर्ष -1, 328 बराबर 105/100 × 105/100 -1, 328 बराबर 5 × 200 = 441 बराबर 3 × 441 − 400 = 400, 3 × 41 = 441 पी बराबर 328 × 400, पी बराबर 328 × 400/41, ये 8 मत में कट गया ना, तो पी बराबर 32 रुपया। ये बेचारे उन लोगों के लिए जो 9th में पढ़ता है उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए उनको लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, एसआई निकालना है, सीआई निकालना है, अमाउंट निकालना है, डिफरेंट निकालना है, तो मूलधन निकल गया, अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट बराबर क्या होता है, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होता है, तो मूलधन कितना है 3200 रुपया गया ना, ब्याज कितना है 328 रुपया गया ना, 328 रुपया ना, 3528 रुपया अमाउंट कितना है 3528, अमाउंट यहाँ पर आ गया 3528। हम लोग के बेचारे 8 क्लास के बच्चे को क्या करना है, फॉर्मूला के हिसाब से बनाएगा, तो अब मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला के हिसाब से बनाएगा ना, तो मूलधन बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100 करेगा ना, तो मूलधन कितना है 3200 है ना, आर कितना है 5, टी बराबर कितना है 100 करेगा ना, इसको हल करेगा तो कितना आएगा 320 रुपया, ठीक है। और सीआईएसआई का डिफरेंट पूछेगा तो 328 में से 320 घटा देंगे तो 8 रुपया डिफरेंट आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 9th के बच्चों के लिए फॉर्मूला बेसिस है, कॉम्पिटिशन वाला अपने ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए क्वेश्चन दिया है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में निवेश की गई, जो 2 वर्ष में 25,088 रुपया हुई, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें, यानी खर्च कितना किया गया नहीं पता, लेकिन खर्च करने के बाद कितना हो गया 25,088 रुपया हो गया, यानी कि अमाउंट हो गया, यानी मिश्रधन हो गया, ठीक है।
चलिए आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर 12% दिया ना, टी बराबर 2 वर्ष दिया है, ए बराबर कितना दिया 25,088 रुपया दिया है ना, तो हम लोग क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, पी निकालना है ना, पी बराबर क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आर बराबर 12% है तो 12 इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे, दिन में 3/25 होगा ना, गोला बनाते हैं, ठीक है, ये न्यूमरेटर यानी अंश है ना, जब एक रहेगा तो न्यूमरेटर एक मानते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अंक रहता है, तीन है तो इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, 9 माना गया, ठीक है, 9 का 3/25, इसका 3/25, ठीक है, अब 9 के 3/25, 9 के 3/25 कितना 75 होगा, 75 होगा, 75 का 3/25 कितना, वो 625 हो गया, ठीक है, अब सभी को जोड़ेंगे ना, हम लोग का अमाउंट कितना आ रहा है, सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का अमाउंट कितना है, 784 आएगा, ठीक है, हम लोग का अमाउंट 784, और किताब किताब में कितना अमाउंट दिया, 25,088 रुपया दिया, ठीक है, एक का डिफरेंस कितना होगा, इसको काटेंगे ना, एक का डिफरेंस 32 हो गया, और हम लोग से किताब में क्या पूछा, मूलधन पूछा है ना, मूलधन तो मूलधन 625 रुपया हुआ ना, तो पी बराबर 625 × 32 बराबर 20,000 रुपया क्या आ गया, मूलधन आ गया, यही पूछेगा सीआई, पूछेगा सीआई बराबर मिश्रधन, तो मिश्रधन 159 मिश्रधन होगा ना, इसको 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 जोड़ेंगे, सॉरी सीआई चक्रविधि ब्याज, चक्रविधि ब्याज इसको 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 जोड़ेंगे तो 159 होगा ना, 159 × 32 तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5,088 रुपया होगा ना, 5,088 रुपया लिख दिए, एसआई बराबर कितना होगा, इसको इसको जोड़ेंगे ना, एसआई बराबर 150 × 32 तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4,800 रुपया होगा, अब डिफरेंट कितना आ रहा है, डिफरेंट 9 है ना, डिफरेंट बराबर 32 × 9 बराबर 288 रुपया, ठीक है, ये सब ट्रिक से बन गया, ठीक है, किताब में ऐसे हूं तो दे देगा क्वेश्चन, केवल मूलधन दिया है अभी किताब में, लेकिन जब मिश्रधन दे देगा या मिश्रधन रहेगा तो मूलधन देगा, किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, किताब में सीआई पूछेगा तो फिर सीआई के लिए बनाएंगे, इसीलिए सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक क्वेश्चन बनाओ सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो भी आए उसके बराबर तुलना कर देना है, ठीक है, चलो 8 क्लास और 9 क्लास के बच्चों के लिए फॉर्मूला से बता रहा हूँ, ठीक है, ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 × n, ए बराबर कितना है, अमाउंट बराबर 25,088 रुपया ना, पी इंटू 1 + R कितना है, 12% है ना, समय कितना है, 2 वर्ष है, 25,088 × P × 112/100 × 112/100, 2×2=12, 4 से कटाते हैं, ठीक है, 4 28 25 28 25, ये कितना होगा, 25,088 × 784 P/625, तो 784 P/625 × 25,088, तो P बराबर 625 × 25,088 × 784, 32 मौत में कट गया, तो पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर 20,000 रुपया आ गया, मूलधन बराबर कितना आ गया, 20,000 रुपया आ गया, तो मूलधन बराबर 20,000 आ गया, ठीक है,
ये सब बच्चों लोग के फॉर्मूला के हिसाब से। अब हम लोग को सीआई निकलना है, सीआई बराबर क्या होगा, सीआई बराबर ए माइनस पी होगा ना, ए माइनस पी होगा। तो ए का मान कितना है, 25,000, 88 माइनस पी 20,000, तो 5,088 रुपये आ गया। आप लोग एस आई निकालना होगा, एस आई के लिए क्या होगा, पी आर टी बटा सौ होगा ना, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा सौ होगा ना। तो मूलधन कितना है इसमें, 20,000 गुने आर बराबर कितना है, आर बराबर हम लोग कितना दिया है, 12 गुने दो बटा सौ, इसको 200 गुना 12 गुना इसको गुना करेंगे तो कितना, 488 आएगा। ठीक है, और ऐसा ही है, और सी आई का डिफरेंट घटाएंगे, ऐसा ही 5,088 आई कितना आ गया, सी आई बराबर 488 इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, सर ये गुना किए था ना तो 4,080 होगा ना। ठीक है, और 4,4880 होगा ना। तो सी आई और एस आई का डिफरेंट कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 5,088 में से 4,880 घटाएंगे तो कितना होगा, डिफरेंट डिफरेंट बराबर कितना होगा, 288 रुपये आंसर। ये समझ गए बच्चों लोग का ट्रिक है और हम लोग का ये ट्रिक है। ठीक है, तो हम लोग अपने ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।